मीटिंग में जो है अगला क्या रणनीति तय होगी टीम इंडिया के लिए। समर पलानिया चंडीगढ़। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का चौथा दिन है। आइए सीधे रुख करते हैं शंभू बॉर्डर का, जहां मेरे सहयोगी मानव इस वक्त मौजूद है। मानव, कल जो बैठक हुई है, अभी हमने मंत्री अर्जुन मुंडा को सुना, उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में यह बैठक हुई, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी बना हुआ। अब रविवार को अगली बैठक होनी है, लेकिन आज चौथा दिन है आंदोलन का, क्या कह रहे हैं किसान? पंकज, देखिए अभी तीन दिन हमने देखा कि शुरुआत के दो दिन में थोड़ी हिंसा हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई, लेकिन कल तीसरा दिन पूरी तरीके से शांत रहा। रात को 12 बजे के आसपास छुटपुट कुछ यहां पर जरूर देखने को मिला, लेकिन जब बैठक चल रही थी तब यहां पर हल्की सी हिंसा देखने को जरूर मिली थी। लेकिन अगर बैठक की बात करें तो देखिए तीसरे दौर की बैठक थी, 5 घंटे चली और बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए, 3 केंद्रीय मंत्री थे और 2 पंजाब सरकार के नुमाइंदे, पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि पंजाब सरकार भी इसमें एक पार्टी है और इसलिए वो लोग वहां पर पहुंची हुई थी। जैसे ही बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले किसान नेताओं ने जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है उसको लेकर आपत्ति जताई, तो उस पर आपके कृषि मंत्री उनको समझाते हुए दिखाई दिए, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन पूरी बैठक में सबसे ज्यादा जो पेच फंसा रहा वो एमएसपी को लेकर था, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर था और लखीमपुर जैसे मामले पर भी सरकार मानती हुई दिखाई दे रही है। किसान नेताओं से सहमत दिखे तीनों मंत्री, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमें इसमें समय चाहिए। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह किसान आंदोलन पर रिव्यू मीटिंग समीक्षा बैठक इस वक्त कर रहे हैं। इस बैठक में पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं और ये रिव्यू मीटिंग लगातार की जा रही है। 3 दौर की बैठक अब तक सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, समीक्षा बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार बातचीत का दौर जारी है, किसान नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, कई अलग तरीके की मांगे जो है वो किसान नेता कर रहे हैं और ऐसे में अब गृह मंत्री खुद जो है इस वक्त बैठक ले रहे हैं। बैठक में पीयूष गोयल मौजूद हैं, साथ ही अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। तो अभी 3 बजे से बैठक शुरू हुई है। अब इस बैठक में किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं या क्या रिव्यू करने के बाद क्या कहा जाता है उसके, वो तो बैठक के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय में ये बैठक